हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं वेलकम करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पर जिसका नाम है टेस्ट बेंच। मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले ये बात समझ लें कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिससे हम पेपर का पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपने अब तक जो प्रिपरेशन किया है, क्या इसके अकॉर्डिंग किया है या इसमें अभी थोड़ी प्रॉब्लम है। इससे डीमोटिवेट नहीं होना है। आपका जो अब तक का प्रिपरेशन है, मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा है और आप इस बार एग्ज़ाम निकाल लेंगे और आप एडमिशन ले लेंगे ड्यू में। तो इसी के साथ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे बस यही आशा करता हूं कि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोबिंग बुक इज करेक्टली मैच टू द ऑथर। रविंद्रनाथ टैगोर, द कलेक्टर्स ऑफ वाइफ, ज्योतिबाई फुले, सच अ लॉन्ग जर्नी, सलमान रुश्दी, ए फाइन बैलेंस, फोर खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान। इसमें आप देखेंगे कि जो ऊपर के तीनों बुक है वो एक दूसरे से मैच नहीं खा रहे हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी बुक है, ज्योतिबाई फूले की कौन सी बुक है और सलमान रुश्दी की कौन सी बुक है। सलमान रुश्दी अभी न्यूज़ में है करंट में, तो इनके सारे बुक को आप पढ़ लें। जो इनका करेक्ट आंसर है वो है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह का जो आंसर करेक्ट है वो आंसर जो है वो करेक्ट है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है खुशवंत सिंह। आप खुशवंत सिंह की और कौन कौन सी बुक है, जैसे एक और बुक है वी इंडियन भी खुशवंत सिंह की बुक है, तो ये भी आप पढ़ लें। इसको भी देखें कि ये बुक और भी जो बुक है उनके बारे में भी आप डिटेल लिखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अगस्त 15, 1947 द कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कंसिस्टेड ऑफ ए बी आर अम्बेडकर एज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल एज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द डिफेंस। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो आइए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। कह रहा है ए सही बोथ, सेकंड कह रहा है नेदर, थर्ड कह रहा है ए ओनली और फोर्थ कह रहा है बी ओनली। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो आपको पता चलेगा कि जो बी आर अम्बेडकर है वो तो लॉ मिनिस्टर थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो डिफेंस मिनिस्टर नहीं थे। तो इसका ऑप्शन थर्ड जो है ए ओनली जो है वो करेक्ट होने वाला है। तो ए ओनली पे आप टिक लगा ले कि ये जो है करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या है। रशियन रेवोल्यूशन टू प्लेस इन ईयर, जो रशिया के रशियन की जो क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुआ था, वो कब हुआ था ये पूछा जा रहा है आपसे। आप ये भी बताएंगे कि इसमें जो है जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ है इसमें किसने स्टार्ट किया था रशियन रेवोल्यूशन को। इनका जो करेक्ट आंसर है आप देख लें एक बार पहले कि फर्स्ट 1914, 1917, 1916।
तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शंस, जो थर्ड वाला है वो करेक्ट आंसर है। और रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आप पढ़ लें, क्योंकि हिस्ट्री से जो है एंशिएंट हो, मिडिवल हो या मॉडर्न, हिस्ट्री से एक आध क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, तो आपको इसके बारे में जनरल नॉलेज होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्री बैंडेड रोज फिंच एस हैज बीन फाउंडेड रिसेंटली इन द स्टेट। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रोज फिंच है क्या। एक जो है इसमें वो है रोजी फिंचेस, और ये रोज फिंचेस के बारे में पूछा है। तो रोज फिंचेस जो है एक बर्ड है, और ये बर्ड कहाँ पाया जाता है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें भी आप जो है वो देख लें कि आप जो फर्स्ट है वो कह रहा असम, सेकंड नागालैंड, थर्ड अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ सिक्किम। तो इनका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो करेक्ट आंसर है अरुणाचल। क्या है? अरुणाचल है, ये करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स इंडेक्स इज द रिलीज बाय विच ऑफ द फ्लोबिंग बॉडी। तो आप इसमें ये देखेंगे कि नीति आयोग जो है वो कौन कौन से इंडेक्स को जारी करता है। इनोवेशन इंडेक्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें कौन से स्टेट जो है इस बार टॉप किए हैं ये भी आपको देख लेना है। इस आइए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से इंडेक्स को जारी करता है ये भी आपको देख लेना है। तो पहला जो है फर्स्ट नीति आयोग, सेकंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फोर्थ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक इंडिया। तो इनका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो करेक्ट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। कौन जारी करता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विच अमंग फ्लोबिंग लॉन्च द ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजुलेशन हैंडबुक। जैसा कि अभी हमने आपको पहले बताया कि आप देख लें कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ जो स्कीम है, कोई नई स्कीम आ रही है, कोई नया प्रोग्राम आ रहा है, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। इसमें बार बार इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कह रहा है कि जो ऑनलाइन डिस्प्यूट होता है उनको रिसॉल्व कौन करता है। तो पहला है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट, नीति आयोग या नेशनल वुमेन कमीशन। तो इसमें से आप जब आपको आंसर देखते टाइम ये भी पता होना चाहिए कि आंसर को किस तरह सेलेक्ट करना है। अगर जो आंसर आपको नहीं आ रहा हो तो उसमें पहले जो है आप एलिमेंट करें, क्या करें, एलिमेंट करें उनको, जो है कुछ क्वेश्चन को एलिमेंट कर दें, उसके बाद आप आंसर दें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो करेक्ट आंसर है इसका थर्ड, नीति आयोग। कौन है? नीति आयोग जारी करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु अमंग द फ्लोबिंग हैज नॉट वोन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब करंट में आपको ये बताना है कि राजीव गांधी खेल अवार्ड का नाम क्या कर दिया गया है, कब से किया गया है, इस बार कितने को राजीव गांधी अवार्ड मिले हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इनके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो 2020 में आप ये 2020 का देख रहे हैं, लेकिन आपको जो आंसर आपको देखने हैं कि 2021 में जो है वो किसे मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न। अब राजीव गांधी खेल रत्न को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का नाम दे दिया गया है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शंस फर्स्ट जो है रानी रामपाल, ये पूछा है किसको नहीं मिला है, रानी रामपाल को मिला है, सेकंड मोनिका बत्रा को भी मिला है, और थर्ड
विनेश फोगाट को मिला है, तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है शिखर धवन। शिखर धवन को नहीं मिला है, शिखर धवन को नहीं मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। हु अमोंग द फ्लोबिंग हैज नॉट वोन द अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड इस बार कितने को मिला है ये भी देख लेना है आपको। 35, 45 कितने को मिला है ये आपको देख लेना है। और ये ऐसे पूछे जाते हैं कि किसको नहीं, नेगेटिव ही क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग को मिलते हैं, तो इसमें जो है हमेशा नॉट में ही आंसर होते हैं और आप जो है नॉट को देख नहीं पाते, मतलब वो आप जो है पॉजिटिव में आंसर दे देते हैं कि अच्छा इसको तो मिला था ये लगा दिया, तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस को सही से पढ़ना है। अब आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है डूटी चांद, ईशांत शर्मा, अदिति अशोक और विराट कोहली। तो आपको पता है कि विराट कोहली को नहीं मिला है, विराट कोहली को नहीं मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चल लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोविंग इज करेक्टली मैच। तो आप जो है नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हैं, देखें नॉर्थ ईस्ट से स्टेट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने अगर स्टेट और कैपिटल को पढ़ रखा है तो आप 100% आंसर दे देंगे, बट अगर आपने आपके माइंड में नहीं आता तो आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये अब जो है वो एक पूछ लिया है, अब आपको लगेगा कि सिक्किम का शिलोंग, तो आपको इसमें देखना है कि क्या आंसर कौन सा करेक्ट होने वाला है। ऑप्शंस वन जो है फर्स्ट मिजोरम का एज़वल, सेकंड मणिपुर ईटानगर, थर्ड सिक्किम शिलोंग, फोर्थ मेघालय कोहिमा। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो मिजोरम मणिपुर का जो है वो ईटानगर है क्या, या मणिपुर का कोहिमा है, मेघालय का जो है वो शिलोंग है, सिक्किम का गंगोत है, गंगोत गंतोक जो भी है वो है, और मिजोरम का जो है वो करेक्ट आंसर होता है कि एज़वल है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ए, मतलब वन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। डैश दे दिया है, इज द क्लासिकल डांस फ्रॉम केरला। केरला का जो क्लासिकल डांस है वो क्या है। तो सबसे पहले आप भारतनाट्यम डांस को देखें, तो भारतनाट्यम जो डांस है वो कहाँ का है। तो भारतनाट्यम डांस जो है वो आपका है तमिल का, तमिलनाडु का है भारतनाट्यम डांस, और इंडिया का सबसे क्लासिकल ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। सत्रिय देखें कहाँ का है, कुचिपुड़ी अगर आप देखें तो ये है एपी, आंध्र प्रदेश का है। अब ऑप्शंस फोर जो है कथकली, ये है केरला का डांस, ये कहाँ का है, ये है केरला का, लेकिन आपको इसमें ये देखना है ये केरला का डांस है। अब केरला का और कौन कौन सा डांस है, जो फोक डांस है वो कौन कौन सा और फोक डांस है ये आपको देख लेना है इसमें। उसके अलावा और भी स्टेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कि राजस्थान का जो है वो कौन सा फोक डांस है, तो भी आपको ये सब आपको फोक डांस आने चाहिए, ये हर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। आइए नेक्स्ट। अब कथकली जो है, अगर सिर्फ आपको कथक पूछा जाए तो कथक कहाँ का है, और कथक जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अभी हाल में ही ये न्यूज़ में रहे हैं, न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि जो कथकली की कथक के जो डांस जो जिसे कहते हैं कि फाउंडर थे वो, उनका अभी जो है वो डेथ हो गया है, तो इसलिए ये रहा है। तो आप कथक के बारे में भी देखें कथक कहाँ का डांस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वर्ड एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव बीन ओमिटेड इन सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पैनल कोड। तो इनका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आप देखें कि वन कह रहा है
फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1990, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2018, जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एंड जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2018। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शंस जो हैं वो ए है करेक्ट आंसर इसका 2019 में हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये देखें कि एक्स गोज टू ए शॉप फॉर बाइंग एन आइटम कॉस्टिंग 10 रुपीज। एक्स गिव्स ए 10 रुपीज कॉइन टू द शॉपकीपर, बट शॉपकीपर रिफ्यूज कर देता है उसे लेने से टू सेल द आइटम एज ही डज नॉट एक्सेप्ट द 10 रुपीज कॉइन, आर्ग्यूइंग दैट 10 रुपीज कॉइन इज नॉट एक्सेप्टेड इन हिज लोकेलिटी, व्हाट लीगल ऑप्शन एक्स हैज इन द सिचुएशन। इस सिचुएशन में एक्स किसके पास जा सकता है, कौन सी संस्था के पास जा सकता है और इनके कंप्लेन कर सकता है। तो आइए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और ऑप्शंस देख लें। टू फाइल ए केस इन द कोर्ट अगेंस्ट ऑफ रिजर्व बैंक इंडिया फॉर द सर्कुलेटिंग ए कॉइन विच इज द रिफ्यूज बाई सम, टू फाइल द पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट द शॉपकीपर रिफ्यूजिंग ए वैलिड लीगल टेंडर इशू बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टू फाइल पब्लिक इंटरेस्ट PIL। एक्स हैज नो लीगल ऑप्शंस। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो आप जो है इसके बारे में कंप्लेन जो है आप PIL तो लगा नहीं सकते। आप ये भी है कि कोर्ट में भी डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, तो आप क्या कर सकते हैं पुलिस को कंप्लेंट करेंगे और पुलिस इस पे फिर एक्शन लेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड वाला जो है वो करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए पर्सन हु हेल्प अनदर पर्सन इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज ए पब्लिक एन, तो क्या वो एबिटर होता है, इंस्टिगेटर होता है, एक कंप्लीस होता है या फ्रेंड होता है। देखो पहली बात अबेटर जो होता है, जो अबेटिंग करता है वो कितने इंस्टिगेट किया जा सकता है, ठीक है। इसमें असल में क्या है कि ये आंसर जो है वो ड्यू जो लास्ट ईयर हुआ था एग्ज़ाम, तो लास्ट ईयर में भी ये क्वेश्चंस के आंसर्स को उन्हें चेंज करना पड़ा क्योंकि उन्होंने जो करेक्ट आंसर दिया था वो ए कंप्लीस दिया था, जबकि एड अबेटमेंट इंस्टिगेट करना या हेल्प करना, तो मतलब इंस्टिगेटर भी इसका आंसर था लेकिन ये ऑप्शंस में दिया हुआ नहीं था। तो इनका जो करेक्ट आंसर है तो अबेटर तो होगा ही, इंस्टिगेटर भी होगा क्योंकि वो हेल्प कर रहा है। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो इंस्टिगेटर अबेटर के साथ साथ अबेटर भी है और इंस्टिगेटर भी है। एक कंप्लीस का मतलब भी होता है हेल्प करना, तो अगर हम एक कंप्लीस को भी ले लें तो थर्ड ये तीनों आंसर्स इनके हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है, लेकिन आप इस क्वेश्चंस को समझ लें कि इस क्वेश्चंस में जो है मतलब ये तीन चीज़ को मेंशंस किया गया है, जब आप पढ़ेंगे उसमें कि बुक में पढ़ेंगे तो आपको तीन ही चीज़ के बारे में दिया गया है, अबेटमेंट, इंस्टिगेटर, इंस्टिगेट करना, एड करना, ठीक है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। Whoever causes death by doing an act with the intention of the causing death or with the intention of the causing such body injury is the likely to cause that commit the offense of the murder। आप इस क्वेश्चन को एक बार पहले पढ़ लें, मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ, आप इसे पढ़ लें, खुद से पढ़ें इसको।
पढ़ लिया होगा आपने। आप देखें, मैं फैक्ट पढ़ देता हूँ। ए नोइंग दैट जेड इज द लेबर अंडर सच एज डिसीज दैट ए ब्लो इज लाइकली काउज हिज दैट स्ट्राइक हिम विथ द इंटेंशन ऑफ द काउजिंग बॉडी इंजर जेड डाइज इन द सिक्वेंस ऑफ द ब्लो ए इज लाइबल फोर। तो क्या ए जो है वो लाइएबल होगा? कैपेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग द मर्डर एज द अनदर पर्सन विथ सेम ब्लो वुड नॉट हैव डाइड। कैपेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग द मर्डर एज इट वॉज नॉट सर्टेन ब्लो वुड किल जेट। कैपेबल होमोसाइड amounting the murder as had intention to causing such as body injury that is likely to cause of that। next देख लेते हैं, ये कह रहा है कि capable homicide amounting to murder as I had intention causing of death। तो इनका जो correct answer है वो है capable homicide amounting to the murder as A had intention to causing such as bodily injury that is likely to cause that of the jet owing to his disease। तो इनका जो ये जो थर्ड वाला है ये करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी आ गया है। Who among following has the power to issue an order under section 144 of the Criminal Procedure Code 1973, Commissioner of Police, Director General of Police, District Magistrate, Police, Public Prosecutor। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है, वो कौन जारी करता है? आपने देखा होगा कि कहीं पर भी दंगा वंगा होने वाला होता है, कोई ऐसा एफडे होने वाला होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर जारी करता है और 144 लगा दिया जाता है। तो ये जारी कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। इस तरह जो है आप, मैं कोशिश करता रहूँगा कि एग्ज़ाम तक आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आऊँ, ताकि आपको आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और भी ग्रो हो और आप अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम में कर पाएँ, इस बार आपका एडमिशन हो जाए, आपको नेक्स्ट टाइम का इंतज़ार ना करना पड़े। इसलिए आप थोड़ा सा वक्त दें और सही से समझें जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक में आप ये ध्यान रखें कि इससे रिलेटेड इसके बैकग्राउंड में जाना है आपको, और बैकग्राउंड में जाकर के चेक करना है कि आपने जो पढ़ा है और वो आपने प्रॉपर उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए पुट ज्वेल्स इनटू ए बॉक्स बिलोंगिंग टू जेट विथ इंटेंशन दैट दे मे बी फाउंड इन द बॉक्स एंड दैट दिस circumstance may be cause Jed to be convicted of theft। A has committed offense। तो यहां पर जो है आप देखें, A ने क्या किया, A जो है वो यहां पे Jed के बॉक्स में जो है वो डाल दिया, ज्वेल्स डाल दिया। और अब ए जो है उसने क्या कमिट किया, क्या ऑफेंस कमिट किया है? तो लाइंग किया, गिविंग फॉल्स एविडेंस, फैब्रिक एविडेंस, चीटिंग। तो ये एक तरीके का जो है वो फैब्रिक एविडेंस है। क्या है ये? ये है फैब्रिक एविडेंस दिया उन्होंने। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। Which among the following offence is committed when a person voluntarily obstruct another so as to be prevent the later in the proceeding in any direction in which that person has right to proceed
आप इस क्वेश्चन में अगर देखें तो आपको ये क्वेश्चन में बहुत कुछ समझ में आने वाला है कि उन्होंने क्या किया है। रॉन्गफुल कॉन्फिडेंट, क्रिमिनल यूज फोर्स, रॉन्गफुल रेसिडेंट या असोल्ट है। तो इनका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो करेक्ट आंसर है रॉन्गफुल रेस्टोरेंट किया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आइए। तो इनका जो प्रिंसिपल देख ले, नथिंग इज ऑफेंस बाय द रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट्स मे काउज टू ए पर्सन फॉर द हुज बेनिफिट इट इज द डन इन गुड फेथ इवन विदाउट द पर्सन कंसेंट इफ द सर्कमटेंस आर सच दैट इज द इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई। कंसेंट देख लें, फैक्ट आप पढ़ लें इसका। फैक्ट, जेट्स कैरीड ऑफ ए टाइगर, फायर ए टाइगर नोइंग दैट लाइकली शॉट मे किल जेट बट नॉट इंटेंडिंग टू किल जेट एंड ए गुड फेथ इंटेंडिंग टू जेट बेनिफिट एज वेल गिव जेट ए मॉरल वाउंड ए हैज कमिटेड ऑफेंस एज वेल गिवन जेट इज मॉरल बाउंडेड सेकेंड ऑफेंस एज ही न्यू द शॉट मे किल जेट ऑफेंस एज डिड नॉट फायर टू बेनिफिट ऑफ जेट नो ऑफेंस एज द फायर एट द टाइगर इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ जेट एंड डिड नॉट इंटेंडिंग टू किल। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ, और हम फोर्थ को ही ये करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लें। इन ऑल रॉबरी देयर इज, तो जो रॉबरी होता है तो रॉबरी में डेफ्ट और एक्सटॉर्शन दोनों होता है, ये है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। हु चेयर फर्स्ट लॉ कमीशन, अब देखें आप एविडेंस लॉ को किसने फर्स्ट पहली बार चेयर किया था ये भी आप देख लें। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने ये क्वेश्चन को डाला था। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है थॉमस मैकॉले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर फॉल अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास तीन लिस्ट है, स्टेट, सेंट्रल और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इन ये जो फॉल होता है वो होता है ये आप इसके देख लें पहले, स्टेट, यूनियन, कॉन्करेंट एंड लिस्ट ऑफ स्टेट। तो इनका जो सही आंसर है वो है कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि दोनों कानून बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है ये प्रिंसिपल है, आप एक बार पढ़ लें इसको पोज करके। आपने पढ़ लिया होगा, आइए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। डेफ्ट टाइम ऑफ द फर्स्ट मूविंग टू रिंग, डेफ्ट ए टाइम व्हेन ही कम बैक टू टेक द रिंग, नो ऑफेंस क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। तो जब भी इंटेंशन आ गया मतलब, और उन्होंने मूव कर दिया रिंग को, तभी उसने कमिट कर दिया, डेफ्ट को जो है कमिट कर दिया है वो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी प्लेस ऑफ द सीटिंग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो आपको ये भी बताना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उनके अभी चेयरमैन कौन है और ये कितने हैं अभी। अभी सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में ऑर्डर भी आया है कि भैया हर स्टेट में जो है आपको ऐसे ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाने चाहिए। ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या करता है, कौन से पार्ट में है, ये कब एड हुआ है, ये भी आप देख लें। और ये जो है इनका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन फोर्थ फाइव।
इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इससे बहुत एडवांटेज होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। थैंक यू।